सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सेंसर की। तो मैं दिखाता हूँ सेंसर। तो ये सेंसर है, देख सकते हो। बेसिकली सेंसर को बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है, तो हम आज उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि सेंसर की वर्किंग प्रोसेसिंग क्या है, इसे वर्क कैसे किया जाता है, ये वर्क आखिर करता कैसे है, हम इस सेंसर के थ्रू कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बेसिकली इस सेंसर के थ्रू बहुत से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल, हेलीकॉप्टर, हम ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सेंसर के पहले प्रोसेसिंग को समझ लेते हैं, क्या कि वर्क कैसे करते हैं। तो सो गाइस, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। सो गाइस, वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस, देख सकते हो मैंने इसका जो है जस्ट बना दिया है चित्र ऐसा, ठीक है। तो मैंने इसका जो है जस्ट चित्र बना दिया, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये प्लस है, ठीक है, और ये वाला जो माइनस है, तो हम इसमें जो है इतना वोल्ट से लेकर इतना वोल्ट हम यूज कर सकते हैं डीसी, ठीक है। हम इतना वोल्ट डीसी यूज कर सकते हैं इस सेंसर पर। इससे हम अगर ज़्यादा देते हैं तो ये ख़राब हो सकता है, तो हमें इतना वोल्टेज करना है। तो देखो, हम जब भी इस पर कोई इंफ्रा रेडिएशन लाइट, ठीक है, जो हमारा रिमोट होता है तो उसमें से एक लाइट निकलता है जो कि हमें दिखता नहीं, इनविजिबल होता है, हम उसको देख नहीं सकते, बट ये सेंसर उसको सेंस कर लेता है, ठीक है। तो हम जब भी इसमें इस तरह से वोल्ट देंगे और आगे से हम जो इसके आगे से जो है रिमोट का की दबाएंगे, तो रिमोट में से जो लाइट निकलेगा उसमें से, तो ये इस पर जैसे ही पड़ेगा तो ये आगे आउट कर देता है, ठीक है। इसके आगे जो है रिसीवर लगा हुआ था, इस आउट के थ्रू रिसीवर लगा हुआ था, तो इस रिसीवर से और इसके रिमोट से मैच होता है। इस कार्ड को पता है कि वो इतना कोड आएगा तो हमें इसको ये करना है काम। सपोज कर यहाँ से इसने पावर दबाया, ठीक है, तो पावर वाला जैसे ही बटन दबाएगा तो ये एक कोड जनरेट करेगा। यहाँ पर देख लो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये चार चार ये कुछ इस तरह से मान के चलिए कोड ये जनरेट किया, तो ये क्या करता है, ये सेंसर इसी कोड को आगे भेज देता है और इस रिसीवरवा को पता है, कि इस कोड को आने से हमें ये काम करना है। तो जैसे ही ये कोडवा आएगा इसके पास तो ये पावर को ऑफ कर देगा, ठीक है, ये पावर ऑफ कर देगा। लेकिन इसको पता है कि वो चार कोड आएगा तभी तो हमें पावर को ऑफ कर देना है। सपोज करो इसने चार दबाया, इसमें चार की दबाया, तो ये चार की का जो है ये कुछ अलग होता है। तो मैंने एग्जांपल के मैं बता रहा हूँ, ये अलग कोड होता है, ठीक है, तो ये अलग कोड होता है कुछ इस तरह से। तो ये जैसे ही ये रिसीवरवा सेंसरवा जो है, इस सेंसरवा इस कोडवा को इस आगे आउट कर देता है, इस रिसीवरवा को पता है कि ये कोडवा आएगा तो हमें ये काम करना है। तो इससे इसको पता है कि ये जैसे कोड आएगा तो हमें इसको ये काम करना है। तो ये जैसे ही ये रिसीव करेगा तो इसके जो इसमें सॉफ्टवेयर चढ़ाया जाएगा होगा कि ये कोड आएगा तो हमें ये काम करना है। तो ये चार दबाया है तो इस पर चार ही फिक्स किया गया होगा, ठीक है। तो